जो उससे 196 वाली इनिंग खेली है बहुत बड़ी इनिंग है, और आप किसी भी विकेट पे खेल रहे हो कैसे भी हो, इतने लंबे सेशन निकालना आसान काम नहीं है। और जिस तरह वो फोकस था, डिसिप्लिन था, और जहाँ देखें ये जो उसने इनिंग खेली ना बड़ी एक एग्जाम्पल वाली इनिंग है कि कोई भी बैट्समैन इससे चीज़ें सीख सकता है। इसलिए कि जहाँ रन्स वाली बॉल आ रही थी वो उस पर रन्स कर रहा था, अगर वो उस पर रन्स नहीं करता तो प्रेशर ऊपर आना था जिस पे विकेट गिर सकती है। लेकिन उसने और अब्दुल्ला ने भी, अब्दुल्ला को भी क्रेडिट जाता है कि मेरे ख्याल चौथा पांचवा उसका टेस्ट मैच होगा, नया लड़का है, इतना टफ मैच था, इतना प्रेशर था, दोनों ने बहुत बड़ी इनिंग खेली है। और स्पेशली बाबर ने तो बहुत ज़बरदस्त इनिंग खेली है, क्योंकि वो जिस तरह की उसने बैटिंग की है, इस तरह हम चाह रहे हैं कि हमारे जितने भी बैट्समैन हैं फर्स्ट क्लास में या जहाँ भी खेल रहे हैं फ्यूचर में जो आ रहे हैं वो इस तरह की क्रिकेट खेलें कि जहाँ आपको स्कोर वाली बॉल मिले उसको छोड़े नहीं, अगर आप उसको भी छोड़ देंगे फिर रन्स बनना मुश्किल हो जाएंगे। तो ये बड़ी ज़बरदस्त इनिंग थी जिससे लड़कों को सीखना चाहिए। ये एक अच्छी चीज़ है कि आपकी हर थोड़ी देर बाद कोई ना कोई सीरीज है, क्योंकि आप जितना खेलते रहते हैं, जितना प्रैक्टिस में रहते हैं उतना आपको फ़ायदा होता है। और लड़के मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और देखा जाए तो ये जो पिछली सीरीज़ हुई है बड़ी टफ सीरीज़ थी, उसमें लड़कों ने अच्छा परफॉर्म किया है। हार जीत गेम का हिस्सा है, लेकिन क्रिकेट अच्छी हुई अगर देखा जाए तो। अगर टेस्ट सीरीज़ में देखा जाए तो मेरा ख्याल है कि जो दूसरा टेस्ट मैच हुआ है बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट मैच हुआ है, हालांकि ड्रॉ हुआ है, लेकिन उसके बावजूद वो आखिरी, मेरा ख्याल है आखिरी चार बॉल तक वो मैच ऐसा था कि कुछ भी हो सकता है, उधर भी मैच जा सकता है, ड्रॉ तो नहीं होना था लेकिन उधर भी मैच जा सकता था। तो आखिरी टेस्ट जो वो जीते हैं उसमें भी अगर आप देखें तो एक ऐसा सेशन लगा है पहली इनिंग में कि वो हम 25-30 रन पे हमारी 6-7 विकटें गिर गई, मतलब 170 पे को एक आउट था। तो सीरीज़ को अगर आप अगर मेरे से पूछें, मेरी डोमेन में, मैं समझता हूँ कि लड़कों ने बड़ी अच्छी बैटिंग परफॉर्मेंस दी है, और ओवरऑल देखा जाए तो टीम ने अच्छा परफॉर्म किया। वनडे सीरीज जीते हैं, एक T20 था वो जीती हैं, हो सकता है अगर 3 T20 होते शायद ये भी अपोजिट होता रिज़ल्ट, लेकिन ओवरऑल सीरीज़ बहुत अच्छी गई। अगर आप लोगों ने भी इंजॉय किया है, और ऑस्ट्रेलिया 24 साल बाद आई थी, बहुत खुश गए हैं, वो भी बहुत खुश गए हैं यहाँ से, एज ए जो कंपटीशन है उससे भी और हमारी हॉस्पिटैलिटी से। देखिए बाबर इस टाइम देखें, अगर आप तीनों फॉर्मेट बहुत ज़बरदस्त खेले, और जिनके आपने नाम लिए हैं उनमें मेरा ख्याल विलियमसन भी तीनों फॉर्मेट खेलता है, जो रूट नहीं खेलता, जो T20 नहीं खेलता, लेकिन ये जो चार पांच प्लेयर हैं ये ऊपर नीचे सारे जिसको कह सकते हैं कि आप ये वर्ल्ड के 5-6 प्लेयर ही हैं जो इसमें आते हैं, और सारे अच्छे हैं, लेकिन बाबर इस टाइम अपनी प्राइम फॉर्म में और वो परफॉर्म कर रहा है। और वो इस टाइम अगर आप देखें कि टेस्ट में भी मैं नंबर 3 पे है, वनडे में टॉप पे है, T20 में टॉप पे है, तो परफॉर्मेंस भी बोल रही है और उसका खेलने का तरीका भी बता रहा है कि वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। अरे पहले तो जब मैं NHBC में था उस वक्त तो हम पहले करते रहे, और ये फिर चला गया बांग्लादेश और जो भी इसका टूर था, और उसके बाद इसको जब प्रॉब्लम हुई है तो मैं टीम के साथ चला गया 40-45 दिन, और आज मैं हल ये पहला दिन है हमारा, और लेकिन ट्रेनिंग पे रोज़ मुलाकात हो रही है, और मैं गर्मी की वजह से इस टाइम हो नहीं रही, नहीं तो पिछले साल हमने मौसम बेहतर था तो रमज़ान में भी बैटिंग प्रैक्टिस होती रही है। लेकिन अगर देखा जाए तो जो अभी ये खेल रहा था बहुत अच्छा खेल रहा था, ट्रेनिंग भी कर रहा है, रनिंग भी कर रहा है, वेट्स भी कर रहा है, तो मुझे तो लग रहा है कि वो जो उसकी पहले रूटीन थी वहाँ आ गए, लेकिन जो डॉक्टर्स हैं या जो भी लोग हैं वो बेहतर बता सकते हैं। लेकिन अगर मेरे से पूछे एज ए बैटिंग तो ठीक खेल रहा है और अपनी ट्रेनिंग भी कर रहा है।